नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आज हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस के बारे में। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि टेंस क्या है, टेंस क्या है, टेंस है फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या है? फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि क्रिया का एक रूप। और पास्ट क्या है? पास्ट एक टाइम है। पास्ट क्या है? टाइम है। तो हमें अब यह समझना है कि पास्ट टाइम को बताने के लिए, पास्ट टाइम को बताने के लिए क्रिया का कौन सा रूप यूज होगा, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। मैंने अपनी पहली एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने वर्ब के बारे में बताया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वो देखिएगा। मैंने उस वीडियो में आपको क्या बताया था कि पास्ट टाइम को बताने के लिए हम हमेशा यूज करेंगे वी टू। क्या यूज करेंगे? वी टू। अब चाहे आपका टेंस कोई भी हो, चाहे आपका सिंपल पास्ट हो, पास्ट प्रोग्रेसिव हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो, इतनी बात क्लियर है। हम क्या यूज करेंगे? वी टू करेंगे पास्ट के अंदर यूज, इतनी बात समझ आई। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कहां करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हम कहां करेंगे। ये देखिए कि पास्ट के अंदर यानी कि बीते हुए समय के अंदर कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा काम यानी कि कोई ऐसे सिंपल काम, जैसे मैं गया, मेरे पास दो मार्कर थे, मेरे पास दो पेंसिल थी, मेरे दो भाई थे, मेरे पास इतनी जमीन थी, आई बात समझ में। पास्ट की सिंपल बातें बताने के लिए जिस टेंस का हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस, इतनी बात समझ में। अब आगे देखिए, कुछ कीवर्ड्स होती है, अगर ये कीवर्ड्स आपको मिलती है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि आपने यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। तो वो कीवर्ड्स कौन से, ये देखिए। जैसे अगर आपको मिल जाए अगो, लॉन्ग अगो, यस्टरडे, प्रीवियस, और लास्ट। अब लास्ट के साथ आपको चाहे लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, कुछ भी मिल जाए, अगर आपको ये की मिलती है तो आप समझ जाइए कि आपको कौन से टेंस का यूज करना है, सिंपल पास्ट टेंस का। तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी। तो हेल्पिंग वर्ब में देखिए, जो सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसके अंदर हम किसी भी तरीके की हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, यानी कि हम बोल सकते हैं कि नो यूज, हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेगेटिव या इंटरोगेटिव की, तो उन दोनों के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? डिड। क्या यूज करेंगे? डिड। अब देखिए, बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। अगर मेन वर्ब आप अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हम यूज करेंगे वी टू, लेकिन नेगेटिव और इंटरोगेटिव के अंदर हम यूज क्या करेंगे? वी वन। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अब हेल्पिंग वर्ब के यूज में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज करेंगे? डिड, और डू डज डिड के साथ हमेशा क्या आती है? वी वन। तो उम्मीद है कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेंटेंस चाहे आपका अफर्मेटिव हो या फिर नेगेटिव, दोनों ही स्टार्ट किससे होंगे? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट के बाद अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब तो आती नहीं है, तो क्या आएगी? सीधी मेन वर्ब। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? वी टू। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और कोई रिमेनिंग सेंटेंस को, सेंटेंस का कोई पार्ट हो तो वो आ जाएगा, अदरवाइज सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो क्या आएगा? सब्जेक्ट। और मैंने पहले ही बताया कि नेगेटिव के अंदर हमें नोट लगाना होगा, और नोट हमेशा किसके साथ आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी? डिड। नेगेटिव बनाना है तो नोट लगाना पड़ेगा। और अभी हमने बात की कि डिड के साथ, डू के साथ, डज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे वी वन लगा देंगे, ऑब्जेक्ट। तो ये हमारी होगी स्ट्रक्चर। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं। मैं कल
बाजार गया, मैं कल बाजार गया, तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट को पहचाना, और सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला, यानी कि डूअर जो होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो इस सेंटेंस के अंदर काम क्या हो रहा है? काम हो रहा है जाने का। अभी जाने का काम किया किसने? मैंने, और खुद के लिए। इंग्लिश के अंदर एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं आई, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आई। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? आई। अब सब्जेक्ट के बाद वी टू, वी टू बोले तो वर्ब क्या थी? जाना। और जाने को इंग्लिश में बोलते हैं गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। कहां? बाजार। कब? यस्टरडे। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल को क्या बोलते हैं? यस्टरडे। बात समझ आई? अब देखिए, अगर इसी का ही हमने नेगेटिव बनाना होता तो क्या बनता? कि मैं कल बाजार नहीं गया, मैं कल बाजार नहीं गया, तो वही सिंपल सी बात, सब्जेक्ट कौन आ जाएगा? आई। नेगेटिव के अंदर हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड लगाना पड़ेगा, फिर नॉट, फिर वी वन। वी क्या थी? जाना। जाने को बोलते हैं गो। आई डिड नॉट गो टू मार्केट। कब? यस्टरडे। बात समझ आई? इस तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम्पल ले लेकर। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो तरीके के होते हैं। जिस क्वेश्चन का जवाब हमें यस या नो में मिले उसे हम कह देते हैं यस नो टाइप। क्या बोल देंगे? यस नो टाइप। और जिस क्वेश्चन का आंसर हमें एक्सप्लेन करना पड़े उसे हम बोल देंगे डब्ल्यू एच टाइप। अब एक्सप्लेन क्या करेंगे? जो डब्ल्यू एच वर्ड वहां पे आया है, जो डब्ल्यू एच वर्ड मांग रहा है उसके अनुसार हमें उसका आंसर देना पड़ेगा। तो देखिए, स्ट्रक्चर बात करते हैं सबसे पहले यस नो टाइप की। देखिए, यस नो टाइप जो आपका सेंटेंस होगा वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होगा। तो सिंपल पास्ट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डब्ल्यू एच टाइप की बात करें तो डब्ल्यू एच वर्ड प्लस, ये सेम स्ट्रक्चर यहां आ जाएगी, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हमें ध्यान रखने वाला जो है वो ये है कि जब हु आए, जब हमारा क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो और सेंटेंस हमारा पॉजिटिव हो, क्या हो? पॉजिटिव हो। नॉट का यूज नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सिंपल सेंटेंस में लेता हूं कि आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, मैं कल बाजार गया। अब इस सेंटेंस का हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं। इंटेरोगेटिव कौन सा? यस नो टाइप। यस नो टाइप बनाना है तो देखिए क्या बनेगा। सबसे पहले आएगा डिड, अब सब्जेक्ट आई। जब आंसर को हम क्वेश्चन में चेंज करते हैं तो आई यू में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? यू में। डिड यू, अब वेंट की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या हो जाएगी? गो टू मार्केट यस्टरडे। डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। अब देखिए, डब्ल्यू एच वर्ड जैसे मैं लेता हूं, यहां पे टाइम है, टाइम को हटाने के लिए अगर मैं डब्ल्यू एच लेता हूं, वैन, क्या लेता हूं? वैन। अब क्या आ जाएगा? डेट। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया कि आंसर को जब क्वेश्चन में बनाएंगे तो आई यू में चेंज हो जाएगा। तो वैन डिड यू, वर्ब क्या आ जाएगी? गो टू मार्केट। तो क्या अब यस्टरडे आएगा? नहीं, क्योंकि हम यस्टरडे, यस्टरडे हमारा आंसर है। इस आंसर को जानने के लिए ही हमने वैन का यूज किया, क्योंकि वैन का यूज होता है कब? किसी समय को जानने के लिए। समय क्या था यहाँ पे? यस्टरडे। तो वैन डिड यू गो टू मार्केट, तुम बाजार कब गए? डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे। इसका बनेगा कि क्या कल तुम बाजार गए थे? इसका जवाब हमें हाँ या ना में मिलेगा। बात समझ आ रही है? तो आगे देखिए, एक इसका यूज होता है टू
टू एक्सप्रेस पजेशन। देखिए पजेशन क्या होता है, पजेशन होता है अधिकार। क्या होता है अधिकार। अधिकार किस तरीके से, ये समझिएगा कि जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास दो पेन है, इसके अंदर हम किसका यूज करेंगे, इसके अंदर हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे हेड का। क्या यूज करेंगे, हेड का। और स्ट्रक्चर हमारी क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। अब एग्जांपल देखिए कि मुझे बोलना हो कि मेरे पास एक पेन था, था अभी नहीं है, पहले था। बात समझ आ रही है, अधिकार की बात कर रहे हैं लेकिन कब की, पास्ट की। जब पास्ट में हमारे पास कोई चीज थी उसके बारे में बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हैड। अब देखिए मैंने लिखा कि मेरे पास एक पेन था। अब किसके पास, मेरे पास। सब्जेक्ट के रूप में खुद के लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो हम क्या यूज करेंगे, आई। अब हैड क्या था भाई, ए पेन, आई हैड ए पेन। बात समझ आई। अब देखिए अगर इसका यूज हम करें भाई बहन को बताने के लिए कि मेरे चार भाई थे, या फिर मैं बोलूं कि हम पांच भाई थे या हम चार भाई थे, तो क्या बन जाएगा, देखिए आई हैड फोर ब्रदर्स, कि मेरे चार भाई थे। बात समझ आई। इसी का एक यूज करते हैं हम पोजीशन और सिचुएशन को बताने के लिए, वो देखिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज किस तरह से हम सिचुएशन या पोजीशन को बताने के लिए करेंगे। देखिए इसके अंदर हम यूज करेंगे वॉज एंड वर्ब का। किसका, वॉज एंड वर्ब का। वॉज का यूज करेंगे हम आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन। और वर्ब का यूज करेंगे हम लोग यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन के साथ। और स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस वोज वर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं एक टीचर था, मैं एक टीचर था, मतलब कि मैं एक टीचर था। क्या मैं अभी टीचर हूं, नहीं पहले था, तो क्या बन जाएगा, आई वॉज ए टीचर, आई वॉज ए टीचर। आई बात समझ में। अगर मुझे बोलना हो कि टेबल पर एक बुक थी, टेबल पर एक बुक थी, तो ये कैसे बनेगा कि देर वॉज ए बुक ऑन द टेबल, देर वॉज ए बुक ऑन द टेबल। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।